नजरिया बदला है, उन्होंने वैश्विक लीडर के रूप में आज उन्हें मान्यता मिली है। और काशी का यह सौभाग्य है कि देश की संसद में मोदी जी काशी का प्रतिनिधित्व करते हैं। देश की संसद में काशी का प्रतिनिधित्व मोदी जी करते हैं और यही कारण है कि आज काशी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनी है। G20 का समिट आपके यहां वर्तमान में चल रहा है, दुनिया भर के जो डेवलपमेंट से जुड़े हुए, विकास से जुड़े हुए मंत्री हैं वे आज यहां पर आ रहे हैं, यहां रहेंगे। काशी जगमगा रही है एक बार फिर से, जैसे देव दीपावली के अवसर पर काशी की जगमगाहट देखने को मिलती है, उसी प्रकार की जगमगाहट एक बार काशी के अंदर है। इससे पहले अनेक सम्मेलन यहां पर, काशी तमिल संगम का आयोजन यहां हुआ था, काशी तेलुगु संगम का संगम का आयोजन यहां पे हुआ था, काशी में इससे पहले अनेक ऐसे कार्यक्रम हुए हैं जिन कार्यक्रमों ने काशी को एक नई पहचान, काशी को एक नया आकर्षण का केंद्र बनाया है। आज दुनिया का हर देश काशी के साथ जुड़ने के लिए तत्पर है। दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी के रूप में काशी की इस पहचान को जोड़ने के लिए तत्पर है और काशी सचमुच काशी है। और काशी इसलिए काशी है क्योंकि काशी अविनाशी है। काशी को जो उसकी पुनर्प्रतिष्ठा और पहचान दी है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आज उस पर हम सबको गौरव की अनुभूति होती है। आज उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में तेजी के साथ एक बीमारू राज्य से उभर करके देश की दूसरी तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बनाया है। ये चीजें दिखाती है कि जो राज्य कभी बीमारू था उस राज्य ने आज अपनी एक नई पहचान बनाई है, वह राज्य आज विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है, राज्य सुरक्षा का एक मानक तय कर रहा है। और मैं तो इस बात को कहता हूं कि वास्तव में उत्तर प्रदेश आज जिस मार्ग का अनुसरण कर रहा है, अगर इसी प्रकार से करता रहेगा तो उत्तर प्रदेश के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कथन है कि उत्तर प्रदेश में भारत की ग्रोथ इंजन बनने की सामर्थ्य है, उत्तर प्रदेश अगर इसी पथ पर अग्रसर रहकर के विकास का पथ का अनुगमन करेगा तो उत्तर प्रदेश भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में अपना स्थान जरूर बनाएगा और उस दिशा में हम सबको मिलकर के प्रयास करना होगा। एक नए भारत की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है, कैसे हर व्यक्ति को मिलने वाली सुविधा में तमाम प्रकार के परिवर्तन हुए, महिलाएं हो उनके सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कार्यक्रम या नौजवान हो उनके लिए उठाए गए कदम, चाहे वह स्टार्टअप इंडिया का हो चाहे वह डिजिटल इंडिया का हो मेक इन इंडिया का हो, महिलाओं के लिए मिशन शक्ति से लेकर के मातृवंदना योजना और तमाम प्रकार की उन योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में लाने के परिवर्तन लाने के लिए जो कार्यक्रम उठाए गए हैं, किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लेकर के सॉयल हेल्थ कार्ड की योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, और पहली बार हो रहा है कि 12 करोड़ किसान भारत के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 6000 रुपए सालाना हर किसान के खाते में हर वर्ष जा रहे हैं, ये पहली बार हो रहा है। MSP लागत का 1.5 गुना दाम हर किसान को प्राप्त होगा, यह पहली बार हो रहा है। नए उद्योग लग रहे हैं, इस ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग में व्यापक सुधार हुआ है, ये नया भारत है। और भाइयों बहनों, ये सब जो प्रयास हुए हैं और वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है।